हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजू टारगेट में। आज हम एक और नया वीडियो लेकर आए हैं आप सभी दोस्तों के लिए, आप सभी की डिमांड पर। जैसे कि आप सब जानते हैं, बीएसएफ एसआईजे यानी बीएसएफ के अंदर सब इंस्पेक्टर जूनियर इंजीनियरिंग की वैकेंसीज आई थी, उसका एग्ज़ाम भी हो चुका है, फेज़ फर्स्ट का रिटर्न एग्ज़ाम हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं फेज़ सेकेंड के लिए। फेज़ सेकेंड के अंदर पीएसटी पीईटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, तो उसके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो अभी अपलोड कर दिए गए हैं 14 मार्च 2019 को, यानी कि कल की डेट में। इसमें 14 मार्च 2019 में जो फेज़ सेकंड जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके जो एडमिट कार्ड है वो 14 मार्च 2019 को अपलोड कर दिए गए हैं। तो वो आप उनकी बीएसएफ की साइट पे जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो है ये मैंने आपकी जो है जोधपुर रीजन का खोल रखा है। इसी तरीके से पीडीएफ है, आपको कहाँ से जाके डाउनलोड करनी है, आपको अपना एडमिट कार्ड कहाँ से कैसे मिलेगा, ये सब मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। जिसको भी वीडियो पसंद आता है वो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो अब तक हमारे चैनल के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके को और भी बेहतरीन वीडियो, टेक्निकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोज़ आपके पास में सबसे पहले पहुँच सकें। साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एज वेल एज जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड जल्द ही हमारे इस चैनल पर अपलोड होने लग जाएंगे वीडियो। कुछ वीडियोस हैं टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो जो अभी नोटिफिकेशन आया वो है नोटिस रिगार्डिंग सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन इन रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर वर्क्स एंड सब इंस्पेक्टर जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इन बीएसएफ रिक्रूटमेंट इंजीनियरिंग सेटअप 2018, राजस्थान रिक्रूटमेंट एजेंसी फ्रंटियर हेडक्वार्टर जोधपुर राजस्थान। इसी तरीके से हरियाणा फ्रंटियर, पंजाब फ्रंटियर, दिल्ली फ्रंटियर हेडक्वार्टर के भी जो पीडीएफ हैं वो आ चुके हैं, वहाँ से आप जा करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैं बता दूंगा कौन सी साइट पे कैसे जाएंगे। नोटिस पहला जो है इसमें इंपॉर्टेंट नोट है वो है, द फॉलोइंग कैंडिडेट हु अपियर इन द फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन द रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई वर्क्स एंड सब इंस्पेक्टर जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप 2000 हेल्ड ऑन द 6 जनवरी 2018, जो भी एग्जाम हुआ था उसके बाद में सेकेंड फेज एग्जामिनेशन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट का एग्जाम होने वाला है जोधपुर कैंडिडेट्स के लिए एट 95th बटालियन बीएसएफ भोंड सी कैंप, सोना रोड, गुड़गांव यानी गुरुग्राम, हरियाणा, पिन कोड दे रखा है। यहाँ पर आपको पहुँचना होगा, यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, पीएसटी भी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। अप्रॉक्सीमेटली 1 to 3 days लगाएंगे, और नियरली मेरे को जहाँ तक अपना एक्सपीरियंस है मैं आपको बता देता हूँ, 1 दिन के अंदर आपका ये तीनों एग्ज़ाम, तीनों चीज़ें जो है वो हो जाएगी आपकी, तीनों आपका एक ही दिन में हो जाएगा, लेकिन ये बोल के रखते हैं कि 1 से 3 दिन आपके लग सकते हैं। ओके, नोट सेकेंड है, द फॉलोइंग क्वालिफाइड कैंडिडेट विल रिपोर्ट एट अबव मेंशन वेन्यू एज पर डेट एंड टाइम मेंशन अगेंस्ट ईच टू अपियर इन सेकेंड फेज एग्जामिनेशन दैट इज डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाना होंगे, सारी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स को आपको वहाँ पर लेके जाना होगा। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी प्लेलिस्ट बता रखी है, इससे पहले जितने भी बीएसएफ से रिलेटेड वीडियोस जो मैंने अपने बनाए थे वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आपको बाकी कोई भी डिटेल होगी वो आपको वहाँ पर जाकर आपके डाउट्स क्लियरिफाई हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट है आपका, कॉल लेटर टू दिस क्वालिफाइंग कैंडिडेट टू अपियर इन द सेकेंड फेज एग्जामिनेशन हैव ऑलरेडी बीन इशूड एट देयर एड्रेस थ्रू स्पीड पोस्ट, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स जो फेज सेकंड के लिए अपियर हुए थे उनके एडमिट कार्ड उनके घर के जो उन्होंने एड्रेस दिया होगा जब आपने अप्लाई किया होगा, तो वहाँ पर आपके बाय स्पीड पोस्ट यानी बाय पोस्ट आपके आपके एडमिट कार्ड आपको पोस्ट कर दिए गए, तो आपके पास में 1-2 दिन में पहुँच जाएंगे। इन केस अगर आपके नहीं पहुँचते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी इन्होंने बता रखा है, इन द इवेंट ऑफ नो रिसिप्ट ऑफ कॉल लेटर कैंडिडेट में डाउनलोड अ कॉपी ऑफ दिस नोटिस एंड रिपोर्ट एट द वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन ऑन द डेट एंड टाइम मेंशन अगेंस्ट ईच अलॉन्ग विद सफिशियंट ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स। ओके फ्रेंड्स, अगर आपके पास में इन केस अगर आपके पास में एडमिट कार्ड नहीं पहुंचता है तो आपको क्या करना होगा, ये जो मैंने खोल रखा है पीडीएफ, इसका आपको पूरा फोटोकॉपी निकलवा करके आपको अपने आइडेंटिटी प्रूफ के साथ में वहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ में वहाँ पर पहुँचना होगा। तो भी आपको ये जो पीडीएफ है ये भी एज ए, इसमें आपका जो नाम दिया हुआ होगा वो एज ए आपका एडमिट कार्ड बिहेव करेगा। थर्ड पॉइंट आपका दे रखा है, कॉल लेटर टू दिस क्वालिफिकेशन, ओके ये मैंने पर बता दिया। फोर्थ पॉइंट आपका है, कैंडिडेट आर हेयर बाय डायरेक्टेड टू ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दैट इट इज़, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो भी इन्होंने अभी बता दिया अच्छे अच्छे से डिटेल के अंदर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको लेके जाना होगा, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इन द केस ऑफ ओबीसी, ओके ओबीसी के लिए थोड़ा
स्पेशल पॉइंट है इनके पास में, ओबीसी क्राइटेरिया शुड बी इशूड विद इन 3 ईयर ऑफ लास्ट रिसिप्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन दैट इट इज़ इशूड ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2015। यानी कि जो आपका जो एडमिट कार्ड, आपका जो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, वो 1 अक्टूबर 2015 के बाद में बना हुआ होना चाहिए। इससे पुराना आपका बना हुआ है तो वो आपका नहीं चलेगा। अगर इससे पुराना आपके पास में है तो आप नया अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट हाल फिलहाल जल्दी से बनवा लीजिएगा, उसी के बाद में जाइएगा। यानी 1 अक्टूबर 2015 से पहले के बने हुए आपके ओबीसी के कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। यहीं साथ ही साथ में इन्होंने बता रखा है SC ST के से हो अगर आप बिलोंग करते हो तो उनका सर्टिफिकेट चाहिएगा। अगर आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको NOC सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के जाना होगा। और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी अगर आपने कर रखी है, यानी गेट क्वालिफाई, या फिर आपने जैसे डिप्लोमा वालों के लिए थी, अगर किसी ने BTEC कर रखी है या किसी ने MTEC भी कर रखी है, हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है, तो आपको उनके सर्टिफिकेट्स भी अपने साथ में लेके जाने होंगे। ओके डॉक्यूमेंट ओके सिलेक्शन ओके इसके बाद में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी इफ एनी फॉर प्रोड्यूसिंग बिफोर द सिलेक्शन बोर्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग सेकंड फेज एग्जामिनेशन अलॉन्ग ब्रिंग 1 फोटोकॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट डुअली सेल्फ अटेस्टेड। यानी कि हर एक सर्टिफिकेट का आपको एक साथ में कॉपी लेके फोटोकॉपी करवा के लेके जानी होगी, जिसमें आपको खुद के सिग्नेचर और नीचे सेल्फ अटेस्टेड लिखना होगा, यानी आपको खुद के सिग्नेचर करके लेके जाने होंगे विद डेट। फिफ्थ पॉइंट आपका इसमें बता रखा है, कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर इन एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन फॉर्मलिटीज हिंस कैंडिडेट टू रिपोर्ट एग्जामिनेशन सेंटर ऑन शेड्यूल टाइम। यानी कि आपको आपके बायोमेट्रिक होने के बाद में आपको अंदर एंट्री दी जाएगी सभी एग्जामिनेशन प्रोसीजर को फॉलोअप करने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा इस तरीके से आपके सारे देखिए सीरियल नंबर वाइज दे रखा है सभी के रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, जेंडर एंड डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एट वेन्यू फॉर सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि जो सेकेंड फेज एग्जामिनेशन है उसका आपके आप अपना अगर आपके पास में एडमिट कार्ड नहीं आता है तो आप अपना नाम चेक कर लीजिए, आप अपने फादर नेम को चेक कर लीजिए, आप इन दोनों से आपको पता चल जाएगा आपका नाम इस वाले लिस्ट में है या नहीं है। इसके हिसाब से आप जिस डेट और जिस टाइमिंग के हिसाब जिस टाइमिंग पे और जिस डेट पे आपको बुलाया उसी डेट एंड टाइमिंग पे आपको पहुंचना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ में इसमें देख लीजिएगा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि जोधपुर से साइट में आपको जोधपुर से मतलब जिनका जोधपुर की कॉल लेटर आया था, ये इसके नीचे आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के आ जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आपको ये सारी लिस्ट हर एक जोन की आपको मिल जाएगी। तो जब आप होम पेज पर यहाँ पर जाएंगे, जब आप इसके होम पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर होम पेज में जाने के बाद में आपको रिजल्ट मिलता है। ओके फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से खोल के वापस होम पेज पे। जैसे आप जैसे ही BSF की साइट खोलेंगे तो कुछ इस टाइप की आपके पास में वेबसाइट खुलेगी। तो नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर ये नीचे रिक्रूटमेंट दे रखा है, रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में रिक्रूटमेंट पे आपके क्लिक करने के बाद में रिजल्ट दिख रहा होगा। नीचे रिजल्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 14/3/2019 को काफ़ी सारी फाइल्स अपलोड करी गई हैं BSF की तरफ से, तो उसी के अंदर ही आपका भी है सब कुछ। यहाँ पर आपको देख रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ SI वर्क्स, यानी कि ये देखिए रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ SI वर्क्स एंड JEE SI इलेक्ट्रिकल इन BSF इंजीनियरिंग सेटअप 2018 राजस्थान। ओके फ्रेंड्स, ये आपके राजस्थान की लिस्ट है, ये आपकी पंजाब की लिस्ट भी डाल दी इन्होंने, न्यू दिल्ली की लिस्ट डाल चुके हैं। तो इसी तरीके से आपकी तीनों रीजन की आपने इन्होंने लिस्ट डाल दी है। तो यहाँ से आप अपनी लिस्ट चेक कर लीजिएगा और इसी बिहाफ पे आप वहाँ पर आगे एग्जामिनेशन सेंटर पे जाइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिए, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी भी दोस्त को आप कहीं गलती से छूट ना जाए। ओके, और जिनको भी वीडियो पसंद आता है लाइक करिए। और मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बारे में मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि फिज़िकल इफ़िशेंसी टेस्ट जो आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि जिसमें आपकी दौड़ होगी 1600 मीटर की विद इन 7 मिनट, वो आपको कैसे कंप्लीट करना है, और आपकी 2.5 फीट की हाई जंप है, साथ ही साथ में 11 फीट की आपकी लॉन्ग जंप है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं जो कि आपको करना बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हो रहा होगा। आई होप आप मेरे को पता है कि कितनी टिपिकल्टी आती है इन सभी चीज़ों को करने में एज ए इंजीनियर। तो आपको सब कुछ जो करना है वो एक ही दिन में, ऐसा नहीं है कि सारी आपकी एक ही दिन में आपका हो जाएगा। अगर आप ऐसा करने के लिए जाओगे, अगर आप सोच रहे हो कि मैं
एक ही दिन में मैं आप 1600 मीटर 7 मिनट में कर लूँ अपनी, एक ही दिन में मैं चाहे 2-3 महीने से दौड़ा ही नहीं हूँ, एक ही दिन में मैं 1600 मीटर दौड़ लूँ, एक ही दिन में मैं 2.5 फीट में हाई जंप भी कर लूँ और 11 फीट आपकी लॉन्ग जंप भी हो जाता है, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। अभी आपको क्या करना होगा, सब कुछ फाइनल जो डिसीजन है वो उसी दिन के लिए छोड़ दीजिए। आप ये मत देखिए कि आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। डेली आप क्या करिए, एक मेज़र कर लीजिए कि आज आपको क्या करना है, 1600 मीटर दौड़ना है कैसे भी करके, 7 मिनट चाहे 30 सेकंड में दौड़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, टाइम नोट करिए आप कितने में दौड़ रहे हैं। अगले दिन जो आप करते हैं वो 5 सेकंड रिड्यूस करते जाइए, क्योंकि अभी जो आपकी 16-17 तारीख हुई है आज, तो आपकी 25 से लेकर के 28 डेज़ के बीच में आपकी जो भी आएगा, तो आपके पास में अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज़ हैं, तो ये मोर देन सफिशियंट टाइम है। मैंने भी 10 दिन के अंदर ही ये सब कुछ क्वालिफाई किया था असिस्टेंट कमांडेंट ITBP के लिए, तो मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे आपको बता रहा हूँ। तो इसमें आपको करना क्या होगा, आप अपना टाइम नोट करिए आपका कितना टाइम आ रहा है आज की डेट में, और सुबह भी जाइए और शाम को भी जाइए। डेफिनेटली आप अपना जो है दोनों टाइम पे जाइए, सुबह सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में चले जाइए दौड़ने के लिए, और शाम को भी इसी तरीके से 5 से 6 बजे के बीच में आप दौड़ने के लिए चले जाइए। तो आप क्या करिए, एक डेली मेंटेन करिए अपना, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका टाइमिंग निकालना, यानी अगर आपका 7 मिनट 30 सेकंड आ रहा है तो आपको डेली 5-5 मिनट रिड्यूस करते हुए कैसे भी करके 7 मिनट में अप्रोक्सीमेटली करना है। और 1600 मीटर, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये दौड़ 1600 मीटर है या नहीं है, तो आपके पास में अगर मोटरसाइकिल है तो एक बार मोटरसाइकिल से आप देख लीजिए कि कितना होता है 1600 मीटर, उसी के हिसाब से आप नापिए और दौड़िए। ओके, ऐसे नहीं कि अंधाधुंध दौड़ रहे हैं, अगर आपका 7 मिनट में टाइमिंग आ जाता है तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए, अब आप उसकी टेंशन मत करिए। अब आप नेक्स्ट चीज़ जो है वो है लॉन्ग जंप और हाई जंप। तो पहले दिन आप अगर दौड़ने जाते हो तो सीधा लॉन्ग जंप पे मत जाइए, अगर आप लॉन्ग जंप पे चले गए तो आपके स्ट्रेचर्स आ जाएंगे, तो आपके अगले दिन आपसे चला भी नहीं जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आप लॉन्ग जंप पहले दिन में मत करिए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा 2 दिन पर डे, मतलब सुबह अगर आप लॉन्ग जंप करने जाते हैं तो 2 बार आप लॉन्ग जंप करके देखिए, आप इंची टेप से नाप के देख लीजिएगा कि आपका लॉन्ग जंप 11 फीट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 से 10 फीट हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही एक बार देख लीजिए। लेकिन जब भी आप लॉन्ग जंप करते हैं तो एक बार जूते और चप्पल एक बार खोल के और उसके बाद में आप लॉन्ग जंप करिएगा। ओके फ्रेंड्स, और हाई जंप भी चप्पल और जूते खोल करके करिएगा। हाई जंप की आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप यूट्यूब पे एक बार वीडियो देख लीजिएगा, लॉन्ग जंप की एक बार यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप से आपको लॉन्ग जंप करना है, प्रैक्टिस किस टाइप से करनी है, और उसी अंदाज में आप लॉन्ग जंप और हाई जंप करेंगे तो डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप आपका हो जाए। सो और भी अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो यही सब कुछ था। ओके फ्रेंड्स, मैंने भी 10 डेज़ के अंदर ये लॉन्ग जंप और दौड़ होती थी हमारे 800 मीटर और 100 मीटर की, मैंने डेफिनेटली कर ली थी कवर अप। तो आपका भी आई होप आपका हो जाएगा। वेल विशेस आपको, बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ फ्रेंड।